और उत्तरकाशी के पुरोला में हुई घटना के बाद से लगातार सरकार पर कांग्रेस सवाल खड़ा कर रही है। हल्द्वानी पहुंची कांग्रेस के दिग्गजों ने बीजेपी सरकार को घटना का जिम्मेदार बताया है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि राजनीतिक दलों के रूप में हम सबका कर्तव्य बनता है कि शांति और सौहार्द बनाए रखने का प्रयास करें, लेकिन जो लोग कानून का उल्लंघन कर रहे हैं उन लोगों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि मुख्यमंत्री अच्छे नजरिए से काम करेंगे। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। यदि कोई लोग कानून को तोड़ करके सामाजिक समरसता को तोड़ रहे हैं उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करिए, हम साथ हैं। अतिक्रमण परिभाषित होना चाहिए, क्योंकि हमारे जैसे राज्य के अंदर अतिक्रमण को परिभाषित किया जाना बहुत आवश्यक है, और अतिक्रमण को देखने के लिए कोई खुर्दबीन की आवश्यकता नहीं है। दोनों नंगे आंखों से देखा जा सकता है, लेकिन एक आंख बंद करके देखने की आवश्यकता नहीं है, दोनों आंखें खुली रखी नहीं ठहर सकते। मेरा स्पष्ट कहना है, हम न्याय के साथ हैं, अन्याय के खिलाफ हैं। अगर कहीं अन्याय होगा, जुल्म होगा, जाति होगी, किसी कौम में, किसी भी धर्म में, हम उसके साथ खड़े होंगे। अन्याय के खिलाफ न्याय के साथ हैं। तो जो भी है, देश में जो घट रहा है, प्रदेश में जो घट रहा है, वो अच्छा संकेत नहीं है भविष्य के लिए, इस देश के लिए, इस प्रदेश के लिए। काम करना, उनके भय में किसी किस्म का भय ना हो, इस बात को स्थापित करने का काम सरकार और प्रशासन का होता है, और मेरी नज़र में सरकार बुरी तरीके से इस पूरे काम में फेल है। हमारी जिम्मेदारी है कि देश के हर नागरिक की हम सुरक्षा करें, और कांग्रेस इस पर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेगी, चाहे वो किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो। अगर किसी के संग भी अन्याय होगा, कांग्रेस के साथ ही उसकी रक्षा करने का काम करेंगे।